जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। जी हाँ, हर भाई बहन का जन्म जन्म का साथ होता है। हर भाई के हाथ में होगा रंग बिरंगे रेशम का तार। भाई बहन का प्यार बढ़ाने आया राखी का त्योहार। रक्षाबंधन की सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं दिल से मामी की तरफ से। बहनें जो भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं, वो एक मामूली सा धागा नहीं है, वो एक विश्वास का, प्यार का, स्नेह का, नोकझोंक का, खुशियों का, यादों का, वो प्यारी सी दोस्ती का, मन का धागा है जो हर बहन अपने भाई की कलाई पे बड़े ही प्रेम से बांधती है। माथे पे टीका, कलाई पे राखी, मुंह पे मुस्कान, दिल में प्यार, रक्षा के वचन संग बहन को उपहार, यही तो है रक्षा बंधन का त्योहार। आज के दिन कुछ भाई बहन एक दूसरे से मिल पाते हैं, कुछ भाई बहन एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आप जहाँ पे भी रहें अपने भाई बहनों को दिल से याद करें, अपने परिवार के संग इस त्योहार को अच्छे से मनाएं। बहन भाई का प्यार ऐसा होता है कि बहन चाहे जितनी मर्जी दूर हो, लेकिन उसकी दुआ में इतनी ताकत होती है, उसके प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो हमेशा ये चाहेगी कि उसके भाई का जो संसार है वो हमेशा सुखी रहे। चलिए इस ब्लॉग में देखेंगे हमारे राखी के दिन की छोटी सी प्यारी सी झलक, शौर्य की मस्ती। वीडियो को आगे तक देखिए, एंजॉय करिए और दिल से मॉमी के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे रक्षाबंधन की शुरुआत कान्हा जी को राखी बांध के हुई। बहुत सारी गर्ल्स आपने देखा होगा अपना पहला राखी का सूत्र कान्हा जी को बांधती हैं, इवन बिफोर दे टाई इट टू देयर ब्रदर। डू यू नो व्हाई? बिकॉज लॉर्ड कृष्णा सेव द्रौपदी फ्रॉम द पब्लिक ह्यूमिलेशन एंड प्रोटेक्टेड हर हॉलीनेस। सिमिलरली वीमेंस बिलीव दैट लॉर्ड कृष्णा विल ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज एंड द ईविल आईज व्हेन दे टाई राखी टू हिम। उसके बाद हमने कान्हा जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद सब लोग खाना खाएंगे। क्या खाना है बेटा? सब दे दो। सब दे दे? हाँ। सब में क्या क्या आता है? मुझे ना एक पापड़ चाहिए, पिज्जा चाहिए, पूरी चाहिए। ओ, और खीर? खीर है? खीर सूखा सूखा। सारा सूखा सूखा खाएगा? हाँ। सभी सूखा सूखा? सूखा। आज आपने स्कूल में रक्षाबंधन मनाया था, उसमें क्या करा आपने? फालतू फालतू कर लिया। अच्छा, मैडम ने आपको समझाया नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रक्षाबंधन? नो। है? No. चलो स्कूल दोबारा जाना पड़ेगा। दादी दादी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चल चल जल्दी से खाना खा लो। चलो चलो, दादी शौर्य को बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज जल्दी जल्दी चलो। अरे दादी ने वाह क्या क्या बना दिया, पापड़, पूरी। शौर्य ये तो आलोक चाचू ने देखो क्या भेज दिया, पाव भाजी, और ये क्या है? पिज्जा। पिज्जा? लेकिन ये पिज्जा तो आस्था बुआ के लिए भेजा है। आपके लिए भेजा है? आपने चाचू से पूछा था क्या? यस। क्या कहते हैं? कहते वो अब दोनों के लिए। हाय, आप दोनों के लिए? ओ, सबके लिए। तो आपने थैंक यू तो बोला नहीं? कहाँ बोला थैंक यू। अच्छा अच्छा, और क्या क्या दादी ने बनाया? अरे सब्जी बनाई है, कितनी टेस्टी टेस्टी छोले की सब्जी, सेवैयों की खीर भी बनाई है। क्या क्या? अच्छा बता दो क्या क्या खाना है। वेट 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 वेट, ये है आपकी थाली। चलो शौर्य की थाली लगा दें। अब शौर्य बताएगा उसको क्या क्या चाहिए। पूरी, थोड़ी सी सब्जी। नहीं, फिर उसको जो सब्जी नहीं खाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। सब्जी सब थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है। चलिए, शौर्य ने सारी अपनी प्लेट सजा ली है। प्लेट में पूरा खाना होना चाहिए, चाहे वो खाए चाहे ना खाए, लेकिन सजा हमें अच्छे से दिखना चाहिए।
खाना हम सब लोग खा चुके हैं, अब हो गया है शौर्य के सोने का टाइम। शौर्य को हल्की सी सर्दी हो रखी है, सो शौर्य के पापा थोड़ा सा विक्स लगा के उसको सुला रहे हैं। चलिए हो गई है शाम, देखेंगे आगे की मस्ती। आप वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हमारा शौर्य अभी मस्ती कर रहा है। ये बताओ अभी हम क्या करने वाले हैं बेटा? रक्षाबंधन क्या होता है वैसे? राखी बांधते हैं। क्यों? लेकिन हम राखी क्यों बांधते हैं? एक दूसरे से वो एक फ्रेंड होते हैं। फ्रेंड होते हैं वो, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, और आपने आज स्कूल में भी राखी बांधी थी? नो। आप तो राखी बांध के आए थे, क्या आपकी फ्रेंड ने बांधी थी? हाँ। आप इसी कपड़ों में फिर राखी बंधवा लो। नहीं। क्यों? न्यू कपड़ों में पहनते थे कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा? लेकिन आप तो मॉर्निंग में रो रहे थे मुझे कुर्ता पजामा नहीं पहन के जाना, नहीं पहन के जाना। कुत्ता ऐसे ही नाटक था मेरा। नाटक था? इमोशनल हो गया था। इमोशनल हो गया था? तो अभी नहीं आप इमोशनल हो क्या? अरे नहीं, तो उसकी टीचर भी तब इमोशनल होता। इमोशनल हो जाता है? हाँ। तो ऐसा करें, आपको रेडी कर दें। रेडी कर दें? हाँ, कर दो। अच्छे अच्छे कपड़े पहना के कर दें? ठीक है। बच्चों के बिना कोई त्योहार त्योहार जैसा नहीं लगेगा, उधम तो चलती रहती है। आज मैं ये कपड़े पहनने वाला हूँ। कौन से कलर के कपड़े हैं ये? येलो एंड येलो एंड व्हाइट। ये हैप्पी रक्षाबंधन। ये लड़के की उधम नहीं खत्म हो रही है, बस मस्ती करता रहता है, सारा दिन मस्ती करता है। थक गया फिर बैठ जाओ। थक गया तो बैठ जाओ आराम से, दो मिनट रेस्ट कर लो। ठीक है पहन लिए आ जाओ आप। वो तो गिर ही जाएंगे, हमें असली में पहनने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही पहन लो। अरे नहीं फट जाएगा, फट गया तो ऐसे ही रक्षाबंधन मनाना पड़ेगा। अच्छा मैं मुझे रेडी कर दे। बाय गाइस किस पे? मम्मा नहीं पकड़ पाएंगी। नहीं पकड़ पाऊंगी। अरे Children's are particularly the ones who enjoy festivals more than adults. Festival to them means decoration, sweet, gifts, games and lot of other celebrations. However, there are lot of things a children can learn from celebrating the festivals. Kids learn the feeling of togetherness. Festivals are a great way to understand one culture. A child can be taught more about their culture, their country during festivals. This teaches them about their roots in the world and make them proud of their country. Country and the culture. Must. शायद ये साल पहला साल होगा जो कि हम रक्षाबंधन शाम को मनाने जा रहे हैं, क्योंकि शाम का ही शुभ मुहूर्त था रक्षा सूत्र बांधने का। तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, चलिए देखते हैं आगे की झलक भी। हाय शुरु। चलो दीदी। हाउ आर यू? क्या चल रहा है आज? हाँ।
अरे सब तब दे देना, अरे बंद कर दो, देखना नहीं देखना तो देखना है। रक्षा रक्षाबंधन करूँ लंबी आयु हो शौर्य, स्टे हैप्पी हो शौर्य, मेरा बहुत प्यारा भैया है। हो गया हो गया, जयकौन करेगा? नहीं किया, देखो इधर देखो, इधर ठीक है, इधर देखो, दोनों इधर देखो। खुलेंगे ना, अभी थोड़ा टाइम है। कॉमन है आजकल फेस्टिवल्स आर फन फॉर द होल फैमिली। They teach us to share joy with each other. They inspire us to count our blessings and help each other. Festivals are part of our culture. We have grown up around them and have embraced them as a part of our life. They are not just celebrated for the culture or religious reasons. They have much more to offer to the people. They bring togetherness, create a sense of belongingness in the community. Hi, friend. Oh, but the winner is Shaurya. Shaurya, thank you, idhar. ये रही हमारे रक्षाबंधन के दिन की छोटी सी प्यारी सी झलक। मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने भी अपने परिवार के संग, अपने भाई बहनों के संग ये त्यौहार अच्छे से मनाया होगा। चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए।